कश्मीर तू घबरा मत, हम तेरे साथ खड़े हैं। शाहिद आफरीदी ने कश्मीरियों के हक में आवाज उठाई तो भारत तिलमिला उठा है। शाहिद आफरीदी की ट्वीट ने हिंदुस्तान में तूफान बर्पा कर दिया। मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज क्यों उठाई, भारतीय मीडिया की शाहिद आफरीदी पर शदीद तनकीद। भारतीय मीडिया के साथ भारतीय क्रिकेटर्स के भी औसान खता हो गए, ऐसी ट्वीट की शाहिद खान आफरीदी ने। भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ाने वाले बूम बूम आफरीदी एक बार फिर भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गए। इस बार उनके किसी छक्के पर बात नहीं की जा रही, बल्कि निहत्ते कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद करने पर भारतीय मीडिया और क्रिकेटर्स के औसान खता हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज आफरीदी ने सोशल मीडिया पर भारतीय फौज की बर्बरियत की मुज़म्मत की और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को हौलनाक और परेशान कुन करार दिया था। रीजन ये था ट्वीट करने का मेरी जान के, क्यों वहाँ पे बेकसूर जाने जा रही हैं, क्यों लोग फजूल में मरे जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया समझदार मुल्क हैं, इस मसले को वो आराम से बैठ के हल कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले कश्मीरियों से पूछना चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो किस मुल्क के साथ जाना चाहते हैं या किसी मुल्क के साथ नहीं जाना चाहते, वो अपना मुल्क बनाना चाहते हैं। शाहिद आफरीदी की ट्वीट ने भारत में तूफान खड़ा कर दिया। भारतीय बल्लेबाज जिनका बल्ला कभी कभार ही चलता है, लेकिन उनकी जुबान के क्या कहने। आफरीदी की ट्वीट के जवाब में ट्वीट कर दिया जिसमे उनका कहना था कि शाहिद आफरीदी की डिक्शनरी में शायद UN का मतलब U19 है, जो उनकी उम्र की हद है। उन्होंने मीडिया को पुरसकून रहने का कहते हुए शाहिद आफरीदी के बयान को नो बॉल करार दिया। जो नाम होते हैं जिनको रिस्पेक्ट, जो पहचान होते हैं मुल्क, उनको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव बात करनी चाहिए। इससे पहले भी अगर आप देखें इंडिया U19 जो वर्ल्ड कप जीता, मैंने बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव बयान दिया इंडिया की क्रिकेट के लिए, इंडिया के जो फ्यूचर है उसके टैलेंट के लिए। उसके बाद फिर एक इंडिया के फ्लैग का था, वो मैंने उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी, उनके फ्लैग को रिस्पेक्ट दी। DGISPR ने अपने ट्वीट में शाहिद आफरीदी के छक्कों की वीडियो शेयर की और कहा कि शाहिद आफरीदी ऐसे अपने हरीफों को ग्राउंड से बाहर फेंकते हैं। भारतीय मीडिया धोनी और तेंदुलकर को भी तनकीद का निशाना बना रहा है कि उन्होंने आफरीदी के ट्वीट पर जवाब क्यों नहीं दिया।